हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो लांग पाएंगे। उन्हें जामवंत ने इंस्पायर किया था कि तुम्हारे अंदर हनुमान बहुत शक्ति है, तुम ये काम कर सकते हो। ये हमें अपने पर्सनल जीवन में भी करना चाहिए। यदि हमें लगे कि कोई योग्य व्यक्ति है जो ये कर सकता है तो हमें उसे इंस्पायर करना चाहिए। ये नहीं कि ये बड़ा काम कर लेगा तो हम तो पीछे रह जाएंगे, हम क्यों बताएं भाई इसको, हम क्यों इंस्पायर करें इसको। नहीं, रामायण ये सारी चीजें बताती है हमें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से ताल्लुक रखती है। जामवंत ने इंस्पायर किया और हनुमान जी ने वो कार्य कर दिखाया। वैसे भी हनुमान जी के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। पवन सुत हनुमान की, रामदूत हनुमान की, संकट मोचन हनुमान जी की। संसार में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। कुछ जगहें तो ऐसी हैं विदेशों में, जैसे मॉरिशियस है, वहां हर घर में बाहर हनुमान जी का मंदिर आपको मिलेगा। अब हनुमान जी ने समुद्र पार करने की प्रक्रिया की, वो लंका की तरफ मुड़े तो रास्ते में उनको मिला मैनाक पर्वत जो सोने का बना था, रत्नों से भरा था। हनुमान जी के मन में लालच नहीं आया उसे देखकर, उसे छुआ और उड़ चले अपने लक्ष्य की ओर, लंका की ओर। आगे बढ़े तो सुरसा नामक सर्पों की माता, सुरसा सर्पों की माता थी और बड़ी जादूगरनी थी वो। उसने अपना मुंह इतना बड़ा था उसका, उसके मुख में छोटा सा बनकर घुसे और मुख बंद होता इससे पहले ही बाहर निकल आए, तो उसकी बात भी रख ली उन्होंने। उसने कहा मैं तुम्हें खा लूंगी, कि मैं आता हूं। लोग घुसे और बाहर निकल आए, तब तक वो मुंह भी नहीं बंद कर पाई थी अपना। इसका अर्थ क्या होता है कि हर जगह बाहुबल ये काम नहीं आता, कभी कभी ये भी काम करना चाहिए, छोटा बनकर काम निकाल लेना चाहिए अपना, अगर सही काम हो तो। सुरसा से निपटे तो आगे बढ़े तो एक राक्षसी थी सिंघिका। उसको क्या गुरु हासिल था कि वो किसी की भी छाया अगर देख ले तो छाया को ही ले लेती अपने पास, और छाया से वो व्यक्ति या वो जो भी जानवर था वो भी उसके साथ आ जाता था, छाया से पकड़कर रोकती थी। हनुमान जी को उसने छाया से पकड़कर रोक लिया। हनुमान जी ने उसे समझाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये समझाना इसको व्यर्थ है। मारा, तत्काल आगे बढ़ गए, रुके नहीं वहां। इसका अर्थ यही है कि जहां समझाना व्यर्थ हो वहां अपनी ऊर्जा किसी को समझाने में नष्ट नहीं करनी चाहिए, अपनी क्षमता के आधार पर उस समस्या का समाधान करके आगे निकल जाना चाहिए। फिर हनुमान जी ने समुद्र लांग लिया, लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां लंकिनी एक राक्षसी थी जो पहरेदार थी वहां, उसे घूंसा मारकर घायल कर दिया। इसका अर्थ यह है कि जहां जितनी शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक हो उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन या यूज करना चाहिए। अब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका, जहां जहां सीता जी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी राक्षसों से घिरी हुई। हनुमान ने पहले तो माता सीता का दर्शन किया और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गए और सही समय देखकर राम जी की मुद्रिका धीरे से सीता जी के पास नीचे गिरा दी। सीता जी ने मुद्रिका देखी, वो चकित हुई, अचंभित हुई, हर्षित भी हुई और साथ ही साथ शंकित भी हुई कि ये मुद्रिका यहां कैसे, क्या ये भी कोई माया है। हनुमान जी ने इसलिए कि माता सीता की शंका का समाधान हो जाए, पेड़ पर बैठे बैठे ही श्री राम कहानी सुनाने शुरू की।